श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे 9 गलतियां जो आपको अपने घर के मंदिर के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां अशुभ फल देता है। सभी घरों में देवी देवताओं के लिए एक स्थान अलग होता है। कुछ घरों में छोटे छोटे मंदिर बनवाए जाते हैं, लेकिन हम जानकारी के अभाव में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो अशुभ होती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि घर के मंदिर में नहीं करनी चाहिए, वो थी वैसी गलतियां। पहली बात, घर के मंदिर में सभी श्री गणेश की मूर्तियां तो रखते हैं, लेकिन पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा होना सही नहीं होता है। फिर आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए शंख तो रखते ही होंगे, लेकिन कभी आपके घर में 2 शंख नहीं होने चाहिए। अगर मंदिर में 2 शंख है तो आप उनमें से 1 शंख हटा दीजिए। फिर घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बताया जाता है कि यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना ही बड़ा होना चाहिए। शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ होता है। फिर शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियां पूजा में वर्जित है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। पूजन करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए, ऐसे होना पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहां चमड़े से बनी चीजें जूते चप्पल नहीं लेके जाना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा क्षेत्र रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं रखना चाहिए कभी, या मंदिर के आसपास या उस कमरे में भी। पूजा के मंदिर देवी देवताओं को हार फूल बत्ती आदि कभी बिना धोए अर्पित ना करें। ये चीजें अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। घर में पूजन स्थल के ऊपर कभी भी कोई कबाड़ या भारी चीज नहीं रखना चाहिए। भगवान का मंदिर ऊपर से खाली होना चाहिए, साथ ही मंदिर पर एक गुंबद भी होना चाहिए, वो जरूरी होता है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती उपयोग करें और अगर आप तेल के दीपक जला रहे हैं तो लाल धागे की बत्ती इस्तेमाल करना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।